तो आज हम लोग ये आरसी सॉल्व करेंगे। ये आरसी मैंने प्रैक्टिस मॉक के आईबीपीएस क्लर्क मेंस के पेपर से मॉक टेस्ट से लिया है। फर्स्ट वाला जो उनका फ्री मॉक टेस्ट है वहाँ का क्वेश्चन है ये। अगर आप उनका फ्री मॉक टेस्ट ट्राई करना चाहते हैं या उनका कोई पैकेज अगर आप खरीदना चाहते हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट मैं पैराग्राफ, ये पूरा पैसेज मैं पढ़ूंगी, आप लोगों को मतलब इसका मीनिंग समझाऊंगी, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। ओके, टुडे इट इज कूल टू बी एन एंटरप्रेन्योर। आज के दिन में, आजकल ये बहुत कूल है, बहुत ट्रेंडी है एंटरप्रेन्योर बनना। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेस, बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन, ठीक है, या बिजनेस वोमन। तो आजकल एंटरप्रेन्योर बनना, बिजनेसमैन बनना बहुत ही ट्रेंडी, बहुत ही कूल माना जाता है। ओके, मेनी पीपल अक्रॉस द ग्लोब एडमायर द ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ आवर टाइम सच एज बिल गेट्स, एलन मास्क, जैक मा, जेफ बेजस एंड द लेट स्टीव जॉब्स फॉर द कंपनीज दे फाउंडेड एंड एस्पायर टू बिकम द सेम एंड एस्पायर टू मेक द सेम इम्पैक्ट एज दिस एंटरप्रेन्योर्स हैव डन वाया द टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स दैट देयर कंपनीज क्रिएटेड। ठीक है, पहले तो एस्पायर का मतलब क्या होता है? एस्पायर का मतलब होता है कोई भी चीज एम करना या ड्रीम करना, किसी चीज को एम करना या ड्रीम करना या डिजायर रखना किसी भी चीज का। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग पूरे दुनिया में ऐसे हैं जो कि हमारे टाइम के बिजनेसमैन जैसे कि बिल गेट्स, एलन मास्क, जैक मा, जेफ बेजस और स्टीव जॉब्स को एडमायर करते हैं। और लेट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि स्टीव जॉब्स का मृत्यु हो चुका है, उनका डेथ हो चुका है, इसलिए। किस लिए एडमायर करते हैं उन कंपनीज? क्योंकि वो लोग ऐसे कंपनीज को फाउंडेड का मतलब क्या होता है? फाउंडेड करने, फाउंडेड का मतलब होता है कंपनी को बनाना। ठीक है, ऐसे कंपनीज उन्होंने बनाया। ओके, एंड एस्पायर, और ये लोग एम करते हैं कि ये भी ऐसा इम्पैक्ट बनाए जैसे कि इन एंटरप्रेन्योर्स ने बनाया है अपने टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स के द्वारा, जो टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स उनका कंपनी उनकी कंपनी ने क्रिएट किया है, कंपनी ने बनाया है। ओके, बट फॉर मेनी एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट फेम एंड फॉर्चून। फेम मतलब क्या होता है? फेम मतलब होता है नाम, और फॉर्चून मतलब क्या होता है? मनी, पैसा। तो फेम मतलब हम बोल सकते हैं स्टारडम या रिनाउन, और फॉर्चून मतलब नाम कमाना। फेम मतलब नाम कमाना, और फॉर्चून का मतलब क्या होता है? मनी या वेल्थ। ठीक है, ओके, तो बहुत लोगों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस सिर्फ एक नाम कमाना या पैसे के लिए नहीं है, ये बेसिक प्रॉस्पेरिटी के लिए भी है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है सक्सेस, बेसिक सक्सेस के लिए भी है। सोशल एंड इकोनॉमिक प्रेशर कंटिन्यू टू राइज अक्रॉस द ग्लोब। सोशल और इकोनॉमिक प्रेशर पूरे दुनिया में बढ़ रहा है। इन मेनी कंट्रीज वी सी स्टॉलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, स्केलेटिंग इनइक्वालिटी एंड राइजिंग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। स्टॉलिंग का मतलब होता है स्टॉप्ड या पॉज्ड। ठीक है, उसके बाद आपका स्केलेटिंग, स्केलेटिंग का मतलब क्या होता है? स्केलेटिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, और राइजिंग का मतलब भी होता है इंक्रीजिंग। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। ठीक है, तो बहुत सारे देशों में ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ उनका पॉज हो चुका है, स्टॉप हो चुका है, उनका इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, और उनका यूथ मतलब, यूथ मतलब क्या होता है? यूथ मतलब कम उम्र के लोग, कम उम्र के लोगों में बेरोजगारी भी बढ़ रहा है। When people's environments are dash and the available opportunities are uninspiring, entrepreneurship offers individuals a chance to not only create a path for themselves but also to create jobs and growth within their communities. जब लोगों का environment कुछ होता है, dash है, कुछ है, और उनके पास जो opportunities हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो इंस्पायरिंग नहीं है, उत्साह देने वाला नहीं है, तब क्या होता है? तब एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिजनेस उन लोगों को एक चांस देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपना रास्ता खुद तैयार करें, और वो खुद अपने लिए नौकरी नौकरी बनाएं, वो खुद अपना नौकरी तैयार करें, नौकरी बनाएं, और वो अपने पूरे कम्युनिटी का भी
कम्युनिटी को भी ग्रो करे या डेवलप करे। ओके, डिजिटाइजिंग एंटरप्रेन्योरशिप फॉर इम्पैक्ट, अ न्यू रिपोर्ट फ्रॉम द ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योरशिप हाईलाइट्स हाउ टू इम्प्रूव एंटरप्रेन्योरियल आउटकम्स। डिजिटाइजिंग एंटरप्रेन्योरशिप फॉर इम्पैक्ट एक रिपोर्ट है जिसको ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योरशिप ने रिलीज किया है, बनाया है, और ये रिपोर्ट हाईलाइट करता है कि एंटरप्रेन्योरियल आउटकम को, मतलब आउटकम मतलब रिजल्ट, एंटरप्रेन्योरियल रिजल्ट को कैसे इम्प्रूव किया जाए, मतलब बिजनेस में कैसे आप सक्सीड कर सकोगे, कैसे सक्सेस बिजनेस में मिले। गिवन द सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज एंड एफर्ट going into growing entrepreneurial ecosystems, the report identifies some of the best practices based on real life examples that policymakers, corporate leaders and educators can dash. तो ये कहा जा रहा है कि first of all significant का मतलब होता है important, तो पता होगा आप लोगों को, फिर भी मैं बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस वक्त जितना इम्पॉर्टेंट रिसोर्स और एफर्ट, मतलब टाइम एफर्ट सब कुछ लगाया जा रहा है एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए, उसको देखते हुए, उसको नज़र में रखते हुए इस रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया है कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब बेस्ट वेज, कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके उन्होंने आइडेंटिफाई किया है बेस्ड ऑन किसके ऊपर, बेसिस करके रियल लाइफ एग्जांपल्स, बेस्ड ऑन रियल लाइफ एग्जांपल्स जो कि पॉलिसी मेकर, कॉरपोरेट लीडर और एडुकेटर कुछ कर सकता है, क्या कर सकता है, ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, टुडे एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस, इंक्यूबेटर्स एंड बूट कैंप्स स्प्राउटिंग अप ऑल अक्रॉस द ग्लोब। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप के क्लासेस, इंक्यूबेटर और बूट कैंप सारे दुनिया में छा गए हैं, बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब देखिए इंक्यूबेटर का क्या होता है। एक्चुअली इंक्यूबेटर का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, जब कोई बच्चा प्री मेच्योर जन्म होता है किसी बच्चे का, मतलब जब उसका जन्म, जब होना चाहिए उससे पहले उसका जन्म हो जाए, या बहुत ही छोटा, मतलब बच्चा बहुत ही छोटा हो, मतलब अंडर वेट हो, तब उसको ना इंक्यूबेटर में रखा जाता है। इंक्यूबेटर एक मशीन होता है, उसके अंदर बच्चे को रखा जाता है, वो बच्चे को गर्म रखता है और क्या करता है, बच्चे को ग्रो करने में, मतलब बच्चे के ग्रोथ को वो प्रमोट करता है। जैसा कि माँ के पेट के अंदर जिस तरीके का एनवायरनमेंट होता है, वही एनवायरनमेंट वो सिम्युलेट करता है और वही एनवायरनमेंट वो बच्चे को देता है ताकि वो बच्चा जल्दी ग्रो कर सके। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर इंक्यूबेटर का मतलब क्या होगा, इंक्यूबेटर का मतलब ये है यहाँ पर ऐसा कोई प्लेस जहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बढ़ाया जाए वो सिखाया जाता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के ग्रोथ में हेल्प करता है इंक्यूबेटर। और बूट कैंप क्या होता है, बूट कैंप है ट्रेनिंग कैंप। ठीक है, ट्रेनिंग आप बोल सकते हैं, ट्रेनिंग क्लासेस। ठीक है, बूट कैंप्स आर स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग मतलब ग्रोइंग। ओके, ठीक है, तो आजकल एंटरप्रेन्योरशिप के क्लासेस, इंक्यूबेटर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स पूरे दुनिया में ग्रो कर रहे हैं। ग्रोइंग एट अ फास्ट रेट, स्प्राउटिंग मतलब ग्रोइंग एट अ फास्ट रेट। डैश हिस्टोरिकली एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन हैज फोकस्ड ऑन टेक्स्ट बुक थ्योरी, केस स्टडीज, बिजनेस प्लानिंग एंड आइडिएट एंड पिच प्रोग्राम्स। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो ये चर्चा है, एडुकेशन है, वो फोकस किया है टेक्स्ट बुक थ्योरी पर। टेक्स्ट बुक थ्योरी मतलब जो बुक में जो थियोरीज रहते हैं, मैनेजमेंट थियोरीज, उस पर फोकस किया है, केस स्टडीज पर फोकस किया है, बिजनेस प्लानिंग पर फोकस किया है, और किस पर किया है, आइडिएट एंड पिच प्रोग्राम। आइडिएट करने का मतलब क्या होता है, आइडिएट करने का मतलब होता है कोई भी आइडिया को गिव बर्थ टू एन आइडिया, उसे कहते हैं आइडिएट करना। ठीक है, हम बोल सकते हैं थिंक। ओके, और पिच करने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पिच करने का मतलब है इम्प्लीमेंट करना या लॉन्च करना। ठीक है, ओके, तो ये है हमारा पूरा पैसेज। इस पूरे पैसेज में हम किस चीज के बारे में बात किया गया है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूरे पैसेज में बात किया गया है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे इस पैसेज, तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, Why has the author cited the example of entrepreneurs like Bill Gates and Elon Musk? Author ने Bill Gates और Elon Musk का ही example क्यों दिया है इस passage में? Okay, तो हमारा first option देखिए क्या है, To highlight the popularity of Western entrepreneurs around the world.
ऑथर ने बिल गेट्स और एलन मस्क का एग्जाम्पल दिया है. वेस्टर्न एंटरप्रेन्योर्स का पॉपुलरिटी पूरे दुनिया में बहुत पॉपुलर है वेस्टर्न एंटरप्रेन्योर्स, ये हाईलाइट करने के लिए. हाईलाइट करने का मतलब क्या होता है? बताना, एम्फेसाइज करना, ठीक है, इसको बताने के लिए कि वेस्टर्न एंटरप्रेन्योर्स पूरे दुनिया में बहुत पॉपुलर है. अब बताइए दोस्तों, इस पूरे पैसेज में कहीं भी ऐसा मेंशन है वेस्टर्न एंटरप्रेन्योर्स, एशियन एंटरप्रेन्योर्स, अफ्रीकन एंटरप्रेन्योर्स, ऐसा कुछ है क्या? पूरे पैसेज में कहीं भी ऐसा कोई किसी भी चीज़ का मेंशन ही नहीं है, है कि नहीं? मेंशन ही नहीं है ये चीज़, तो ये आपका सही जवाब नहीं हो सकता है. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए. टू हाईलाइट द एस्पिरेशन ऑफ पीपल हु वांट टू वेंचर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्रिएट द सेम काइंड ऑफ इम्पैक्ट एज दिस एंटरप्रेन्योर्स. ऑथर ने बिल गेट्स और एलन मस्क का एग्जाम्पल दिया है ये हाईलाइट करने के लिए कि लोगों का एस्पिरेशन, लोगों का एम क्या है जो कि जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में यानी कि बिजनेस में जाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, और एक सिमिलर टाइप का, एक सेम टाइप का ही इम्पैक्ट दुनिया में रखना चाहते हैं, उन लोगों का एस्पिरेशन क्या है. उन लोगों के एस्पिरेशन को हाईलाइट करने के लिए ऑथर ने बिल गेट्स और एलन मस्क का एग्जाम्पल यहाँ पर इस पैसेज में दिया है. तो चलिए एक बार हम पैसेज देख लेते हैं. पैसेज में देखिए क्या कहा गया है. यहाँ से पढ़िए आप. मैनी पीपल अक्रॉस द ग्लोब एडमायर द ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ आवर टाइम सच एज बिल गेट्स एंड एलन मस्क, जैक मा, जेफ बेजोस एंड द लेट स्टीव जॉब्स फॉर द companies they founded and aspire to make the same impact as these entrepreneurs have done via the technologies and products these companies created, via the technologies or products their companies created. ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? यहाँ से ये पता चल रहा है कि लोग ऐसे entrepreneurs को admire करते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसा same type का impact दुनिया में करना चाहते हैं, सेम टाइप का इम्पैक्ट करना चाहते हैं दुनिया में. और कैसे करना चाहते हैं? जैसे कि ये लोग अपने टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट के थ्रू किया है, वैसे ही ये दूसरे लोग भी करना चाहते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है, कि ऑथर ने ये हाईलाइट करना चाहता था, लोगों का एस्पिरेशन जो कि बिजनेस में जाना चाहते हैं और इन एंटरप्रेन्योर्स की तरह, बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे एंटरप्रेन्योर्स की तरह सेम टाइप का इम्पैक्ट ये लोग भी डालना चाहते हैं. ठीक है, दुनिया में इम्पैक्ट रखना चाहते हैं. तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब. नेक्स्ट ऑप्शंस भी हम एक बार चेक कर लेते हैं. ओके, टू हाईलाइट द सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स इन एडवांस्ड इकोनॉमीज, ऑथर बिल गेट्स और एलन मस्क का एग्जाम्पल दिए हैं ये हाईलाइट करने के लिए कि एडवांस्ड इकोनॉमी में, मतलब अच्छे, एडवांस्ड इकोनॉमी का मतलब होता है क्या? गुड या डेवलप्ड इकोनॉमीज. ठीक है, डेवलप्ड इकोनॉमीज में एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स का, बिजनेस का सक्सेस क्या है, इसको हाईलाइट करने के लिए ही ऑथर ने इन लोगों का एग्जाम्पल दिया है. लेकिन दोस्तों, कहीं भी पैसेज में ये नहीं कहा गया है कि बिल गेट्स, एलन मस्क, जैक मा, जेफ बेजोस कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं और उन कंट्रीज के इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है. इस चीज़ के बारे में कहीं भी पैसेज में मैंशन नहीं है, तो इसलिए ये आपका जवाब नहीं होगा. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. टू कंपेयर फ्यूचर एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव्स विद दैट ऑफ द पास्ट. ठीक है, देखिए यहाँ पे, देखिए आपका थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ. देखिए लास्ट जो सेक्शन है हमारा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे क्या बोला गया था, बोला गया है, नहीं यहाँ से नहीं, आप यहाँ से देखिए, सॉरी, नॉट फ्रॉम हियर, एक मिनट, यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आजकल, देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आजकल इंक्यूबेटर, एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस, बूट कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स हो रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप को सिखाने के लिए, डेवलप करने के लिए, बिजनेस डेवलप करने के लिए. लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो एडुकेशन था वो प्योरली बुक ओरिएंटेड था, केस स्टडी, बिजनेस प्लानिंग, थिंक एंड लॉन्च, इस ओरिएंटेड था.
पहले के जमाने में, लेकिन आज के जमाने में एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जा रहा है क्लास, इंक्यूबेटर और बूट कैंप ट्रेनिंग क्लासेस के थ्रू, मतलब मॉडर्न अप्रोच लिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद डिजिटाइजिंग एंटरप्रेन्योरशिप फॉर इम्पैक्ट, यहाँ पर भी देखिए रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना समझाया गया है, ओके। तो एनीवेज, तो यहाँ पे देखिए जो कब, लेकिन कहीं भी एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव, देखिए अब तक जिस चीजों के बारे में हम, जिन चीजों के बारे में हम बात कर रहे थे, वो था एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने का तरीका, मतलब क्या डेवलप करने का, कोचिंग बोल सकते हैं हम, कि कैसे पढ़ाया जाए लोगों को कि वो अपना बिजनेस डेवलप कर सके, ठीक है। उस चीज में, उस कोचिंग में पहले के जमाने के साथ आज का एक कंपैरिजन किया गया है, ओके। लेकिन एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव मतलब बिजनेस का कंपैरिजन कहीं भी नहीं है, बिजनेस का कंपैरिजन कहीं भी नहीं है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कहा जाता कि कोचिंग का कंपैरिजन हुआ है, हाँ हुआ है, लेकिन बिजनेस का कंपैरिजन कहीं भी नहीं हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन फिट द ब्लैंक ए, ब्लैंक ए को कौन सा वर्ड फिट कर सकता है। तो ब्लैंक ए मतलब यहाँ पे तो देख लेते हैं ब्लैंक ए क्या है। व्हेन पीपल्स एनवायरमेंट्स आर डैश एंड द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज आर अनइंस्पायरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप offers individuals a chance to not only create a path for themselves but also to create jobs and growth within their communities. जब लोगों के environment कुछ होता है और उनके opportunities, उनके पास जो opportunity है वो भी uninspiring होता है, uninspiring मतलब unexciting, जो उत्साह ना दे ऐसा वाला opportunity उनके पास होता है कि opportunities अच्छे नहीं है, तब क्या होता है, entrepreneurship एक chance offer करता है, business एक chance offer करता है कि लोग, business एक chance देता है लोगों को कि वो अपना रास्ता खुद तैयार करें, खुद अपने लिए वो job बनाए और अपने community का भी growth वो खुद करे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों पीपल का एनवायरनमेंट क्या होने पर ऐसा होगा, देखिए हर जगह पे यहाँ पे नेगेटिव बात किया गया है, ये बात समझिए। अपॉर्चुनिटी क्या है, अनइंस्पायरिंग है, नेगेटिव। जब ऐसा नेगेटिव, जब नेगेटिव होता है, जब ऐसा नेगेटिव सिचुएशन है, तब एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा चीज ऑफर कर रहा है, समझ समझ गए। ये फर्स्ट पार्ट जो सेंटेंस का है ना, ये है नेगेटिव फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट जो सेंटेंस का है, ये है पॉजिटिव, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी चीजें ऑफर कर रही है, ओके। लेकिन फर्स्ट पार्ट जो है नेगेटिव, जब लोगों का जिंदगी, लोगों का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि अपॉर्चुनिटी जो है वो अच्छे नहीं है, तो एनवायरनमेंट लोगों का कैसा हो, ठीक है, एनवायरनमेंट कैसा हो ये आपको बताना है, ओके। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट लिख देती हूँ, व्हेन पीपल्स आर, व्हेन पीपल्स एनवायरनमेंट्स आर डैश, ठीक है, ओके। पहला हमारा पहला ऑप्शन है स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टैंड स्टिल का मतलब होता है मतलब नॉट मूविंग, कोई मूवमेंट ही नहीं है, स्टिल कोई मूवमेंट ही नहीं है। कैओटिक, कैओटिक का मतलब क्या होता है, बहुत ही जहाँ पे कैओस हो, बहुत झमेला हो, हाँ मतलब जो एनवायरनमेंट बिल्कुल भी स्टेबल ना हो, हम इसको अनस्टेबल कह सकते हैं, अनस्टेबल या फिर आपका कैओटिक अनस्टेबल हो सकता है, या डिसऑर्डर जहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ठीक है। स्टैग्नेंट का मतलब भी स्टैंड स्टिल जैसा ही है, नॉट मूविंग और स्टिल, ठीक है। एक्टिव का मतलब क्या होता है, एनर्जेटिक। अब देखिए दोस्तों, मैं आपसे क्या कही थी कि फर्स्ट पार्ट जो है सेंटेंस का वो है नेगेटिव, एनवायरमेंट है कुछ नेगेटिव, कुछ यहाँ पे होगा, और आपका अपॉर्चुनिटी भी है अनइंस्पायरिंग मतलब अनएक्साइटिंग, तो इसका मतलब इस ब्लैंक में कोई नेगेटिव वर्ड आना चाहिए। तो फर्स्टली हम ये एक्टिव वर्ड देखिए, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इसको तो हम पहले काट देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वर्ड अगर आप देखें कि कैओटिक, कैओटिक मतलब डिसऑर्डर, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है दोस्तों, वहाँ पे आप क्या बिजनेस करोगे, क्या आप सीरिया में जाकर बिजनेस करोगे, येमेन में जाकर बिजनेस करोगे, ऑब्वियसली आप नहीं करोगे ना, वहाँ पे तो लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, पूरा कैओस है, वहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है, वहाँ पे आप जाके क्या बिजनेस करोगे, तो ये भी आपका कॉन्टेक्स्ट के अनुसार ये सही जवाब नहीं है, कैओटिक नहीं है। अब देखिए दोस्तों, हमारा बच जाता है स्टैंड स्टिल और स्टैग्नेंट, दोनों का मीनिंग सेम है,
लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज देखिए, ये एनवायरमेंट, जब एनवायरमेंट, व्हेन एनवायरमेंट आर डैश, एनवायरमेंट आपका एक नाउन है और एनवायरमेंट आर डैश मतलब यहाँ पे आपका एक एडजेक्टिव आना चाहिए जो कि आपके इस नाउन एनवायरमेंट को क्वालिफाई करेगा. कैसा एनवायरमेंट, कैसा एनवायरमेंट, वो क्वेश्चन आपका आंसर करेगा, ठीक है. लेकिन ये स्टैंड स्टिल जो है दोस्तों, ये स्टैंड स्टिल खुद एक नाउन है, ये स्टैंड स्टिल खुद एक नाउन है, तो इसको आप यहाँ पे पुट नहीं कर सकते क्योंकि आपको यहाँ पे एक एडजेक्टिव की जरूरत है. इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा स्टैगनेंट, क्योंकि स्टैगनेंट एक एडजेक्टिव है. हम बोलते हैं, कभी आपने सुना है स्टैगनेंट ऑब्जेक्ट, ये चीज आपने सुना होगा फिजिक्स में. अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो फिजिक्स में हमारा 11th 12th में ये वर्ड बहुत यूज होता था, ये चीज, स्टैगनेंट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्टिव क्यों लिख रही हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव नहीं दोस्तों, सॉरी, ऑब्जेक्ट, स्टैगनेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है. इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट मूव ना करता हो, जो स्टिल हो, जो एक जगह में खड़ा हो. तो यहाँ पे एनवायरनमेंट क्या है, स्टैगनेंट है, मतलब मूव नहीं कर रहा है, कोई एनवायरनमेंट में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है. यहाँ पे मूव नहीं करने का मतलब क्या होता है, कोई ग्रोथ ना होना. तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री. इनमें से कौन से स्टेटमेंट के स्टेटमेंट को ऑफर अग्री कर ऑथर अग्री करता है, अग्री करता है मतलब ऑथर इससे सेम, ऑथर का सेम ओपिनियन है. इस इनमें से कौन से ऐसा सेंटेंस है जिसके साथ ऑथर का ओपिनियन सेम है. ओके, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द एनवायरनमेंट इन विच पीपल वर्क ऑल्सो अफेक्ट्स देयर माइंडसेट. जिस एनवायरनमेंट में लोग काम करते हैं वो उसका माइंडसेट को अफेक्ट करता है. हम एक बार पैसेज की ओर चलेंगे, पैसेज देख लेंगे. पैसेज में देखिए, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए. अब देखिए पैसेज में, यहाँ से आप फिर से पढ़िए, व्हेन पीपल्स एनवायरनमेंट आर, यहाँ पर आपको तो पता है अब आंसर क्या होगा, स्टैगनेंट. व्हेन पीपल्स एनवायरनमेंट आर स्टैगनेंट एंड द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज आर अनइंस्पायरिंग. तो लोगों का जब एनवायरनमेंट स्टैगनेंट हो और लोगों के अपॉर्चुनिटीज जब अनएक्साइटिंग हो, तब लोग क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप तब उनको अच्छा चांस देता है, ठीक है. ये है हमारा पैसेज में ऐसा लिखा गया है. अब देखिए यहाँ पे क्या है, द एनवायरनमेंट इन विच पीपल वर्क ऑल्सो अफेक्ट्स देयर माइंडसेट. किस एनवायरनमेंट में लोग काम करते हैं वो उनके माइंडसेट को अफेक्ट करता है, वो उनके मेंटालिटी को, उनके थॉट प्रोसेस को, थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करता है. ओके, तो देखिए यहाँ पे थॉट, एनवायरनमेंट थॉट को अफेक्ट करता है, माइंडसेट को, माइंडसेट को, या साइकोलॉजी को आप बोल सकते हैं, साइकोलॉजी. किस एनवायरनमेंट में लोग काम करता है वो उसके साइकोलॉजी को जरूर अफेक्ट करता है. तभी तो ऐसा पैसेज में कहा गया है कि एनवायरनमेंट स्टैगनेंट है, इसीलिए लोग, एनवायरनमेंट स्टैगनेंट है, अपॉर्चुनिटीज कम है, इसीलिए लोग क्या करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं. तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, द मेन रीजन बिहाइंड द राइज इन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स इज द मनी एसोसिएटेड विद इट. जो मेन कारण है जिसके वजह से लोग बिजनेस करते हैं वो है पैसा, पैसा है बहुत बिजनेस में. अब देखिए हम पैसेज की ओर फिर से चलते हैं और देखते हैं. देखिए हाँ, यहाँ पर देखिए, बट फॉर मेनी एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट मनी एंड अबाउट फेम एंड फॉर्चून. बहुतों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस सिर्फ नाम कमाने के लिए या पैसे के लिए नहीं है. नॉट फॉर इज नॉट, नॉट सिर्फ पैसे के लिए या नाम कमाने के लिए नहीं है. तो इसका मतलब ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है पैसा ही मेन रीजन है जिसके लिए लोग बिजनेस करते हैं. नहीं, lack of creative opportunities often drive people to take up entrepreneurship. ठीक है, तो creative opportunities नहीं है, lack of मतलब no or less or no, कोई creative opportunity नहीं है, इसीलिए लोग entrepreneurship business की तरफ जा रहे हैं. फिर से हम पैसेज के और चलेंगे और देखेंगे. पैसेज में यहाँ पर देखिए, व्हेन पीपल्स एनवायरनमेंट आर स्टैगनेट एंड द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज आर अनइंस्पायरिंग. अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज इंस्पायरिंग नहीं है, एक्साइटिंग नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, तभी लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस की ओर जा रहे हैं. इसका मतलब आपका ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा कि क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज नहीं है तब लोग बिजनेस की ओर जा रहे हैं. फोर्थ ऑप्शन देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप लीड्स टू क्रिएशन ऑफ जॉब्स अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स. एंटरप्रेन्योरशिप जॉब क्रिएट करता है डिफरेंट डोमेन में. डिफरेंट डोमेन मतलब क्या है, डोमेन मतलब एरियाज,
डोमेन मतलब होता है एरियाज, ठीक है। एरियाज मतलब कैसे एरियाज के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया आपका एक एरिया, मीडिया हो गया आपका दूसरा एक एरिया, ठीक है, ऐसे डिफरेंट एरियाज, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एडुकेशन हो गया आपका एक एरिया, ठीक है, डोमेन। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, क्रिएट जॉब्स एंड ग्रोथ विद इन देयर कम्युनिटीज। कम्युनिटी के अंदर वो जॉब क्रिएट करता है और ग्रोथ भी, कम्युनिटी का ग्रोथ भी होता है। यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर जॉब क्रिएशन के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन डिफरेंट डोमेन्स के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है, इसलिए ये भी हो जाएगा आपका गलत। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और सी। तो इसका मतलब आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, बोथ ए एंड सी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा सही जवाब। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन फिट इन द ब्लैंक बी। ब्लैंक बी को कौन सा वर्ड इनमें से फिट करेगा? तो ब्लैंक बी देख लेते हैं क्या है ब्लैंक बी। हाँ, यहाँ पर गिवन द सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज एंड एफर्ट गोइंग इन टू ग्रोइंग ऑन्टरप्रनोरियल इकोसिस्टम्स, द रिपोर्ट आइडेंटिफाइज सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दैट पॉलिसी मेकर्स, कॉर्पोरेट लीडर्स एंड एडुकेटर्स कैन डैश। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो रिपोर्ट है ना, ये जो रिपोर्ट है, कौन सा रिपोर्ट दोस्तों? ये डिजिटाइजिंग एंटरप्रेन्योरशिप फॉर इम्पैक्ट, ये वाला जो रिपोर्ट है ये आइडेंटिफाई कर रहा है कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट वेज रियल लाइफ एग्जांपल्स के ऊपर बेसिस करके, जिसे कि पॉलिसी मेकर, कॉरपोरेट लीडर्स और एडुकेटर्स कुछ कर सके। क्या कर सके? पॉलिसी मेकर, कॉरपोरेट लीडर और एडुकेटर ऐसा बेस्ट प्रैक्टिसेस को क्या कर सकता है, क्या कर सकता है? बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है, यूज कर सकता है। कैन यूज यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए यूज कर सकता है, मतलब वो यूज कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है, इस टाइप का कुछ वर्ड यहाँ पे बैठना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं, ऑप्शन हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या वर्ड्स यहाँ पर है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, किसी भी पर्टिकुलर चीज में स्किल्ड या टैलेंटेड। मैं अगर एक आपको सेंटेंस बोलू तो शी इज एडेप्ट एट सॉल्विंग सॉल्विंग पजल्स, वो पजल सॉल्व करने में बहुत ही स्किल्ड है, एडेप्ट है। एडेप्ट के साथ, एडेप्ट के बगल में एट आता है, ठीक है, ये वाला प्रिपोजिशन आता है, शी इज एडेप्ट एट सॉल्विंग पजल्स, ठीक है। उसके बाद फॉलो, फॉलो करने का मतलब क्या होता है? फॉलो का दो मीनिंग होता है, एक तो होता है आपका फॉलो करना मतलब किसके पीछे पीछे जाना, कम आफ्टर, और एक आपका फॉलो करने का क्या मतलब होता है? कैरी आउट समथिंग, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो आई फॉलोड हर इंस्ट्रक्शन, मैं उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो की, फॉलो की मतलब मैं कैरी आउट की उसका इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद अडॉप्ट, अडॉप्ट करने का मतलब क्या होता है? अडॉप्ट करने का मतलब एक तो होता है कि अगर आप किसी अनाथ बच्चे को अडॉप्ट करें, अनाथ बच्चे को लें, अपने पास रखें और उसको बड़ा करें, और उसको उसका माँ बाप आप बने, उसे कहते हैं अडॉप्ट करना, टू रेज अ चाइल्ड, ठीक है। और एक मतलब जो होता है वो होता है किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना, ओके, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना या किसी भी चीज़ को सपोर्ट करना, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट, आपका जो वर्ड है वो है अडेप्ट। अडेप्ट करने का मतलब होता है एडजस्ट करना, ठीक है, एडजस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकती हूँ ह्यूमन बींग्स हैव ग्रेट एबिलिटी टू अडेप्ट टू एनवायरमेंटल चेंज, ओके। ह्यूमन बीइंग्स का बहुत अच्छा एबिलिटी है कि वो एनवायरमेंटल चेंज के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सके, ठीक है। ये आपके चार वर्ड्स हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको ऐसा एक वर्ड चाहिए जिसका मीनिंग सिमिलर हो किसके साथ?
यूज और इम्प्लीमेंटेड, पॉलिसी मेकर्स एजुकेटर्स कैन, क्या आपका सेंटेंस क्या था, पॉलिसी मेकर्स एजुकेटर्स कैन डैश, ठीक है, क्या कर सके वो, यूज कर सके या इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। तो यूज कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके, इसका हम ऐसा बोल सकते हैं पॉलिसी मेकर्स एंड एजुकेटर्स कैन अडॉप्ट। अडॉप्ट क्या अडॉप्ट करे, वो क्या एक्सेप्ट करे, पॉलिसी मेकर्स और एजुकेटर्स क्या एक्सेप्ट करे, वो नए पैर न्यू, यहाँ पर देखिए एक बार हम पैसेज की ओर चलते हैं ताकि आपको समझ में आए, क्या अडॉप्ट करे, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करे, बेस्ट प्रैक्टिसेस को वो अडॉप्ट करे, और वो क्या कर सकते हैं, इस बेस्ट इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को वो कैरी आउट कर सकता है, फॉलो कर सकता है, किस लिए, ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कर सके, ठीक है। इन बेस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिसेस को वो अडॉप्ट कर सकता है और कैरी आउट कर सकता है, यानी कि फॉलो कर सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर्स कैन फिट इन सी, सी में कौन सा कनेक्टर फिट करेगा, सी ब्लैंक में कौन सा कनेक्टर फिट करेगा, यहाँ पे सी ब्लैंक, हाँ यहाँ पे देखिए, टूडे एंटरप्रेन्योरियल क्लासेस इंक्यूबेटर्स एंड बूट कैंप्स आर स्प्राउटिंग अप ऑल अक्रॉस द ग्लोब, आजकल एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस इंक्यूबेटर और बूट कैंप्स पूरे दुनिया में छा गया है, ठीक है। डैश हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकली मतलब पास्ट के बारे में कहा जा रहा है, पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक बेस्ड था, थियोरी बेस्ड था, केस स्टडीज, बिजनेस प्लानिंग इनके ऊपर बेस्ड था। तो पहले क्या था, थियोरी बेस्ड था, और अब क्या है, प्रैक्टिकल है, अब क्या है, प्रैक्टिकल है, क्लासेस हो रहे हैं, इस पर इंक्यूबेटर है, बूट कैंप ट्रेनिंग क्लासेस हो रहे हैं, अब प्रैक्टिकल है, पहले था थियरी। तो इसका मतलब ये वाला सेंटेंस और ये वाला कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस है, मतलब दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है, पहले था आपका, पहले क्या था, पहले था आपका थियरी बेस्ड, अब है आपका प्रैक्टिकल बेस्ड। तो समझिए दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, ऑपोजिट है, थियोरी एंड प्रैक्टिकल आर ऑपोजिट, तो दोनों ऑपोजिट है, यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग है, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग है। तो जब कॉन्ट्रास्टिंग होता है, कॉन्ट्रास्ट, तो आपको एक ऐसा कनेक्टर चाहिए जो कॉन्ट्रास्ट समझाए, ठीक है। ओके, अब देखिए आपका इफ, इफ कनेक्टर आप कब लगाते हो, इफ कनेक्टर है आपका कंडीशनल कनेक्टर, कंडीशनल, जब आप कोई कंडीशन समझाना चाहते हो तब आप इफ लगाते हो। तो सपोज मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, इफ इट रेन्स टुडे, इफ इट रेन्स टुडे देन आई, इफ इट रेन्स टुडे देन आई विल फ्राई पकोड़ाज, ओके, हाँ, तो अगर आज बारिश हुआ तो मैं पकोड़ा फ्राई करूंगी, अगर आज बारिश हुआ तो मैं क्या करूंगी, पकोड़ा फ्राई करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर बारिश होता है तो ये कंडीशन है, कंडीशन कौन सा है, अगर बारिश होता है तो उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं पकोड़ा फ्राई करूंगी, ठीक है, तो ये है कंडीशनल। उसके बाद है आपका मोरोवर, मोरोवर यूज होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन बताने के लिए, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन बताने के लिए, मतलब अगर सेंटेंस में एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और उसके बाद कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप उस पर बताना चाहते हो तब आप यूज कर सकते हो मोर ओवर। फॉर एग्जाम्पल, आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना इज अ टैलेंटेड एक्टर एंड मोर ओवर अ गुड सिंगर। आयुष्मान खुराना एक टैलेंटेड एक्टर हैं और बस यही नहीं, एक अच्छे सिंगर भी हैं। तो यहाँ तक देखिए, एक इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद एडिशनली आपने ये इन्फॉर्मेशन दिया कि वो एक सिंगर भी हैं, ओके। हाउएवर, हाउएवर आप कब यूज़ करते हो, हाउएवर आप कॉन्ट्रास्ट करने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। जब आपके पास दो सेंटेंस हो और फर्स्ट सेंटेंस के साथ अगर कॉन्ट्रास्टिंग हो सेकेंड सेंटेंस, तब आप लगाते हो हाउएवर, ओके। सिंस, सिंस किस लिए यूज होता है, सिंस तो एक तो होता है दोस्तों, सिंस एक कॉज एंड इफेक्ट समझाने के लिए एक यूज होता है सिंस, सिंस दो दो टाइप से यूज होता है, कॉज एंड इफेक्ट के लिए यूज होता है और एक टाइम बताने के लिए यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर टाइम बताने के लिए इसको यूज करूँ, आई हैवंट सीन हिम
सिंस मॉर्निंग, मैं उसको सुबह से नहीं देखी हूं, मतलब सुबह से वो गायब है. आई हैवन सीन हिम सिंस मॉर्निंग. ठीक है, एडिशनली किस लिए यूज होता है? एडिशनली और मोर ओवर, सेम एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए आप इसको यूज करते हो. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा शब्द आपका कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए यूज होता है? सिर्फ हाउएवर आपका कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए यूज होता है, इसलिए आपका ब्लैंक सी में आपको यूज करना होगा हाउएवर. ठीक है, ये कनेक्टर आपका फिट होगा ब्लैंक सी में. चलिए एक बार ब्लैंक सी देख लेते हैं और हाउएवर को यहाँ पे पुट करते हैं. टुडे एंटरप्रेन्योरियल क्लासेस, इनक्यूबेटर्स एंड बूट कैंप्स आर स्प्राउटिंग अप ऑल अक्रॉस द ग्लोब. हाउएवर, हिस्टोरिकली entrepreneurship education has focused on textbook theories, case studies, business planning and ideate and pitch programs. जनवरी महीने के फर्स्ट वीक से मैं अनअकैडमी पर रहूंगी, जहां पर मैं इंग्लिश सेक्शन का कोर्स करवाऊंगी. एवरी मंथ 35 आवर्स के मेरे लाइव क्लासेस रहेंगे, जहां पर मैं बैंक एग्जाम्स 2020 के लिए फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल का इंग्लिश आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी. जिन लोगों को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता है, जो लोग इंग्लिश में ज़ीरो है, वो भी मेरा कोर्स देखने के बाद इंग्लिश में अच्छा स्कोर पर कर पाएगा, ये मेरा उम्मीद है. तो अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो मेरा कूपन कोड आप अन्वेषा ज़रूर यूज़ करना. इससे आपको सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. और सिर्फ मेरा ही नहीं, अनअकैडमी प्लस पर आप ढेर सारे टीचर्स के लाइव क्लासेस अटेंड कर पाओगे. अनलिमिटेड लाइव क्लासेस हैं वहाँ पर, और आप वीकली क्विज भी वहाँ पर अटेंड कर पाओगे हर एक सब्जेक्ट का. और इसके साथ साथ वीकली वहाँ पर मॉक टेस्ट भी रिलीज करता है वाईफाई स्टडी, वो भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे. ठीक है, तो अगर आप बैंक एग्जाम्स 2020 को टारगेट कर रहे हो, तो यही सही वक्त है. आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो, जिससे कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पूरा कोर्स मिले. तो सो अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए. और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे आने वाले वीडियोस के. तो मैं मिलती हूँ फिर से मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ. टिल देन, बाय.